ओके तो और मेरे भाई लोग कैसे हो, तो फिर से बता चुका आप लोगों के लिए बीजे में की और भी एक कमाल की वीडियो लेकर। और भाई आज की वीडियो थोड़ा सा डिमांडिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले मैंने एक Q&A वीडियो बनाया था और उस वीडियो में काफी सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि भाई तू अपना क्रॉस ईयर जो है उसको भाई कैसे स्टेबल रखता है। और मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दिया जाए, तो फाइनली आज बना रहा हूं मैं वीडियो। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं इस वीडियो को, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। और यहाँ पे मैं भाई 3 से 4 टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिनको अगर भाई आप ठीक ठाक फॉलो करते हो आपका क्रॉस ईयर भाई एकदम स्टेबल रहेगा। और भाई क्रॉस ईयर स्टेबल रखने का फायदा बहुत ही ज्यादा है, आपका हिप फायर भाई तगड़ा हो जाता है, आपका हेडशॉट परसेंटेज बढ़ जाता है और साथ ही साथ जो बुलेट स्प्रेड होता है वो भाई बहुत ही कम हो जाता है। तो भाई सारे भाई मिलकर फटाफट से वीडियो में एक एक लाइक कर दो। अब भाई चलो यहाँ पे नहीं करेंगे, फटाफट से इसका माल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब भाई बढ़ते सीधा पॉइंट नंबर 1 की तरफ। अब देखो भाई 3 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है, लेकिन तीनों पॉइंट भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, तो एक एक करके भाई चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखो भाई हमारा जो पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है भाई मोबाइल होल्डिंग पोजिशन। आपका क्रॉस ईयर स्टेबिलिटी डिपेंड करता है आप किस तरीके से फोन को होल्ड कर रहे हो उसके ऊपर। अब देखो भाई काफी सारे लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से भाई फोन को होल्ड करके खेलते हैं। इस तरीके से अगर भाई फोन को होल्ड करते हो तब आपका फोन कुछ इस तरीके से सीधा रहेगा। अगर आप 4 फिंगर खेलते हो तब भाई प्रेशर पड़ेगा ऊपर की तरफ एंड भाई आपका फोन कुछ इस तरीके से भाई नीचे की तरफ आ जाएगा, और उससे क्या होगा आपका क्रॉस ईयर भी ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आप भाई हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को हमेशा फोन को कुछ इस तरीके से होल्ड करना है, ठीक है। उसके लिए भाई आप कुछ इस तरीके से फोन को पकड़ सकते हो, मैंने भाई स्केच बनाया है आप लोगों के लिए, या तो फिर भाई आप हाथ के नीचे भाई पिल्लो वगैरह से भाई सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है आपका क्रॉस ईयर भाई बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से स्टेबल रहता है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पता नहीं आप लोग समझ रहे हो कि नहीं, भाई प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। अब भाई बढ़ते सीधा पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई कुछ लोग क्या करते हैं क्लोज रेंज में जैसे ही फाइट लेते हैं वो अपना पूरा ध्यान भाई जिगल पे लगा देता है, जिगल और मूवमेंट पे, सामने बंदे के हेड पे क्रॉस ईयर जा रहा है कि नहीं जा रहा आप भाई ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो ये भाई बहुत ही गलत चीज है, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ मूवमेंट तक रहा दे दूंगा भाई सामने वाला बंदा फिनिश, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। आपको जो अपना ध्यान है वो भाई पूरी तरीके से इस वाले ग्रीन एरिया में लगाना है, ठीक है। ग्रीन एरिया से बाहर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। और जैसे बंदा सामने आ जाता है आपका ध्यान चला जाएगा भाई क्रॉस ईयर पे, ठीक है। आप किस तरीके से क्रॉस ईयर को भाई बंदे के हिट पे लेके जा सको, मूवमेंट भाई आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो भाई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर भाई आपका क्रॉस ईयर प्लेसमेंट सही है भाई सब कुछ सही है। आप इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप 20 मीटर सिलेक्ट करना है, ट्रेनिंग ग्राउंड को भाई मैक्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखो हेल्थ अपना टारगेट, इसको भाई आप लोगों को 170 पे सेट करना है, और मूवमेंट स्पीड को भी भाई आपको 170 पे सेट करना है, क्योंकि ये जो 170 मूवमेंट है ना ये भाई बंदे के जिगल के साथ एकदम पूरी तरीके से मैच करता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से जिगल दो और फायर करो क्रॉस ईयर को भाई जो टारगेट है उसके हेड के ऊपर रख के। अब भाई पॉइंट नंबर 3, अब भाई ये भी भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, आप नीचे भाई हैंड कैम भी देख सकते हो। अब देखो काफी सारे लोग जायरो प्लेयर होने के बाद भी, ठीक है, जैसे क्लोज रेंज में भाई उनका फाइट किसी भी बंदे के साथ हो जाता है वो भाई कुछ इस तरीके से भाई थंब की मदद से क्रॉस ईयर को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। अब देखो भाई थंब प्लेयर का क्लोज रेंज इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता आपको पता है, लेकिन अगर भाई आप जारो के साथ थंब को यूज करते हो तब भाई आपका जो एम है वो चौक होने का चांस भाई बहुत ही ज्यादा रहता है। अब काफी सारे लोगों का तो भाई इस चीज का आदत लग चुका है, ठीक है, जैसे क्लोज रेंज में बंदा आएगा भाई वो थंब और जायरो भाई दोनों मिक्स करके भाई बंदे को मारने की कोशिश करेगा। आप इस चीज को भाई आप सिर्फ और सिर्फ भाई ट्रेनिंग ग्राउंड में आके ही सुधार सकते हो, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस वाले टारगेट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कुछ इस तरीके से भाई जिगल देना है, ठीक है। और जैसे भाई आप फायर करोगे ना आपको जो मतलब अंगूठा है उसको भाई पूरी तरीके से डिस्प्ले के ऊपर से हटा लेना है, और पूरी तरीके से जारो की मदद से भाई आपको क्रॉस ईयर को भाई टारगेट के हेड के ऊपर लेके जाने की कोशिश करना है, ठीक है। डेली 20 मिनट इस चीज को भाई आप लोगों को प्रैक्टिस करना है ट्रेनिंग ग्राउंड में। और ये जो 3 टिप्स मैंने आप लोगों को बताया ना, इन तीनों टिप्स की मदद से ही भाई आप बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से क्रॉस ईयर को स्टेबल कर सकते हो। और भी पॉइंट में बना सकता था लेकिन नहीं बनाया, क्या फायदा भाई फालतू का वीडियो लंबा करके। और काफी सारे लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाओ, इसलिए बना दिया। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके प्लीज मुझे बता देना, और इसी तरीके से और भी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ ही साथ जो भाई बेल नोटिफिकेशन है उसको भाई ऑल पे कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूं भाई किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।